नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप अब नई सियासी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि भले ही आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव का साथ छोड़ दिया हो, वो एलजेपी में चले गए हो, लेकिन इसके बावजूद अब भी तेज प्रताप यादव के मन से आकाश यादव को लेकर उनका मोह कम नहीं हुआ है। अब भी तेज प्रताप यादव के अंदर कहीं ना कहीं आकाश यादव को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है और यही वजह है कि उनकी तरफ से आकाश यादव को दरकिनार नहीं किया गया। भले ही तेज प्रताप यादव ने एलजेपी में शामिल होने के बाद आकाश यादव से जुड़ी ये बात कही थी कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई कहीं भी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को आजादी है कि वो कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरह से तेज प्रताप ने अपने रवैये को अपनाया हुआ है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब भी कहीं ना कहीं आकाश यादव को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव आकाश यादव को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। और ये खबरें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि बीते दिन शनिवार को आकाश यादव की तरफ से एक तस्वीर साझा की जाती है और इस तस्वीर पर तेज प्रताप यादव का लाइक आता है, जिसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के मन में आकाश यादव को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। आपको बताएं कि तेज प्रताप अपने बिगड़े बोल से आरजेडी में भले ही टूट लाए हो, लगातार आर पार की खबरें सामने आ रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तो तेज प्रताप से मिलने तक से इनकार कर दिया। बीते दिन भी न्यूज फॉर नेशन ने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी से मिलने रावड़ी आवास पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव मिलने से इनकार कर देते हैं। इस सबके बीच अगले सुबह ही तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अहंकारी हो गए हैं और ये अहंकार एक दिन तेजस्वी यादव को ले डूबेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें तो कई सारी सियासी प्लानिंग और रणनीति तेज प्रताप यादव की तरफ से बनाई जा रही है। खुद को वो सेकंड लालू भी कह चुके हैं और जिस तरह से वो अब जमीन पर आकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, खासकर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब दलित बस्ती में जाकर तेज प्रताप यादव जनता से मिलते हैं और ये कहते हैं कि जब तक तेज प्रताप यादव जिंदा है तब तक बिहार की जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब जमीन पर आकर तेज प्रताप यादव लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और खासकर उनकी तरफ से लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमने आपको वो लेटर भी दिखाई थी कि किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर को लेकर तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की कि जनता को मुआवजा मिलना चाहिए, यानी कि अब नई सियासी प्लानिंग और रणनीति के तहत तेज प्रताप यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच जो खबर अब सामने आ रही है वो ये है कि तेज प्रताप का मोह अब भी आकाश यादव को लेकर कम नहीं हुआ है। भले ही तेज प्रताप और आकाश यादव एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अगर हम आरजेडी में टूट की बात करें तो वो जो एक वजह थी वो कहीं ना कहीं आकाश यादव ही थे। आकाश यादव को लेकर ही तेज प्रताप ने बिगड़े बोल बोले, जगदानंद सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद आकाश यादव पार्टी को छोड़कर एलजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद अब भी तेज प्रताप यादव का मोह कम नहीं हुआ है। आकाश यादव के को लेकर उनके मन में अब भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है और यही वजह है कि अब तेज प्रताप यादव इस तरह के कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आकाश यादव के पोस्ट को लाइक करना हो या फिर आकाश यादव के खिलाफ में कुछ बोलना हो, वो कुछ भी ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तेज प्रताप अपना वर्चस्व बिहार में कायम करना चाहते हैं, नई प्लानिंग और रणनीति के तहत अब वो बिहार की जनता के दिलों में बसना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।